बांदा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने फतेहपुर में डाला डेरा। एनडीआरएफ टीम बचाव कार्य में लगी। बांदा, दो दिन तक मरकज कस्बे में यमुना नदी किनारे डेरा डाले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 6 टीमों के 60 सदस्यों ने शनिवार को पाला बदल दिया। फतेहपुर के सीमा पर लापता लोगों के शव मिलने पर टीम ने वहां डेरा डाल दिया है। प्रशासन के दावों के मुताबिक टीमें अब 4 लापता लोगों की खोजबीन में जुटी है। यमुना में नाव पलटने की घटना के बाद बहकर लापता हो गए लोगों को 2 दिन तक ढूंढ न पाने पर टीमों और अधिकारियों को खरी खोटी सुननी पड़ी थी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री रामकेश निषाद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी खोजबीन की प्रगति पर असंतोष जताया था। इसी के बाद खोजबीन में और तेजी आ गई। शनिवार को सुबह फतेहपुर सीमा पर शव मिलने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई। बताया गया कि अभी तक सभी टीमें करीब 12 किलोमीटर दायरे में लापता लोगों की खोजबीन में जुटी थी। अब 3 किलोमीटर का दायरा और बढ़ा दिया है। बांदा सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद निषाद और बबेरू विधायक विशंबर सिंह की अगुवाई में सपा नेताओं का जत्था शनिवार को मरका पहुंचा। मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना जताई। निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय करण यादव ने कहा कि घटना की पूरी जानकारी हाई कमान को दी जा रही है। सपा के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर भी घटना से जुड़ी जानकारी पोस्ट की जा रही है। इसी का नतीजा है सरकार के 3 मंत्री घटना स्थल पहुंचे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू निर्भय सिंह पटेल मौजूद रहे। घटना तो इस तरह के हाथ से यहाँ भी हो गई। नहीं, धन है, हमें पता है, धन है, ऐसा नहीं है कि धन है। हम इस वक्त तक किशनपुर यमुना घाट में मौजूद हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद जी। सर, आप यहाँ आए हैं, जो हादसा हुआ है इसमें सर घटना हुई है चरका में नाव डूबने की, लगभग कितने आज शव मिले हैं और कितने लोग लापता हैं? मंत्री जी, देखिए इस घटना का बहुत दुखद घटना है। इसमें सभी वर्ग के लोग आहत हैं। नदियों के किनारे रहने वाले हमारे इसमें ज़्यादातर संख्या छुआ समुदाय की है, इससे हम सब लोग आहत हैं। और अभी चूँकि हादसा जब हो जाता है तो एग्जैक्ट जो है ये नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग उसमें सवार थे। जी जी। लेकिन इतनी जितनी लाश जितने डेड बॉडीज मिल रही हैं उससे हम लोग खुशी से कि हमारा जो शासन प्रशासन जिस तरीके से लगा हुआ है जल्दी सारे डेड बॉडीज मिल जाएंगे। और तो आज जो है तो क्या इसमें कुछ लापरवाही भी हुई है मंत्री जी? 6 मिल गई हैं, 6 यहाँ मिली हैं जी। तो क्या इसमें कुछ लापरवाही भी हुई है प्रशासन के द्वारा? अभी तो हमारे देखने में तो यहाँ कोई लापरवाही नहीं है। नहीं, उस साइड से जैसे मरका साइड से ओवरलोड नाव चली थी, मरका में जा रहा हूँ आग बारे में बस समझूंगा तब बताऊंगा जी। एक बात की जरूर लापरवाही है कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से जी जो यहाँ पुल के लिए जनता के पैसे आए थे जी उसमें जो टाइम निर्धारित था उसके हिसाब से नहीं हुआ। अगर ये पुल अप्रोच या पुल पहले हो जाता जी मरका में 11 साल से पुल तो उसमें कुछ इसलिए किस तरीके से उसका काम हुआ। मंत्री जी मृतकों अभी बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा और मैं उस सारी स्थिति से अवगत कराऊंगा। सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि सरकार ने इनके मेरे परिजनों के लिए उनके सांत्वना के लिए पैसा घोषणा की है जी। और उनके जिस 4-4 लाख रुपए घोषणा की है जी। लेकिन उसके साथ ये भी है कि उनके लिए किस किस चीज की और आवश्यकता है जी। उनके पारिवारिक विकास के लिए, मकान के लिए जी। और भी जिस लाइक जैसा होगा जी उसे विधायक जी बगल में है और SDM और DM से बात होती है उसे प्रशासन और शासन स्तर से जो भी उनको सुविधाएं होगी बनाए कराएं। आज एक बात का आश्वस्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मछुआ समुदाय की तरफ चिंता की है। उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है मुख्यमंत्री के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग की
नेतृत्व में निषाद राज बोट योजना मंत्री संपदा योजना का है। अभी निषाद राज बोट योजना के माध्यम से हाईटेक जी और इनके जीवन रक्षक जो जितने भी उपकरण होंगे जी वो हम माननीय मुख्यमंत्री के कोष से जो भी